एक और केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है तो वहीं झाबुआ जिले में इसका विपरीत होते नजर आ रहा है। आमजन को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सरेआम उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। मामला मध्य प्रदेश दीनदयाल योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन झाबुआ के अंतर्गत कार्यालय जनपद पंचायत झाबुआ अंतर्गत भाबोरा महिला समूह ग्राम नगेड़िया द्वारा जिला झाबुआ को जनसुनवाई शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि सुश्री सोनिया पस्तोर समूह प्रेक्षक विकासखंड झाबुआ द्वारा उनके किस्तों में रुपयों का गबन किया गया और उक्त गबन रुपयों के संबंध में बात करने भाबोर समूह द्वारा सोनिया पास्तोर के पास जाने पर मैडम के द्वारा समस्त भाग को समूह की महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। इस घटना पर एक महिला को शरीर पर चोट भी आने से खून भी निकला है। शिकायतकर्ता के अनुसार कई लोग घटना के साक्षी भी हैं। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आपके समूह के नाम क्या? भाबोर ग्रुप। भाबोर ग्रुप। अच्छा, अभी तक जो भी पैसा मिला आप लोगों को सरकार के द्वारा समूह को दिया गया, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो रजिस्टर रिकॉर्ड कहाँ है तुम्हारा? हमारा रजिस्टर मैडम का, सोनिया मैडम के पास। सोनिया मैडम का दिया नहीं उनने? नहीं दिया। अच्छा, जो अनुदान राशि मिलती है 25,000 की ऐसा कुछ, वो तो आप लोगों को मिली या नहीं मिले? या तो से भरा ले दो, नहीं मैडम फोन करना क्यों, बैंक वाले साहब ने हाँ पकड़े दो। बैंक वाले साहब ने चेक आप लोगों का छीन लिया? छीन लिया। ये कब की बात है? दो महीने हो गए। तो अभी आप लोग जैसे कि चेक के लिए अब बात करी होगी उसके बाद सोनिया मैडम से किसी और से, तो उन्होंने क्या बताया इस बारे में? कुछ बात करी हुई थी आपसे? तो हमें भर देता, पैसा भर देता पूरा। तो मैडम हम उनसे कह ले नहीं, तो हूँ भर दी इनके तेली ली नहीं मिल देता नहीं हम तुम भग जाओ हूँ कर ली हूँ कुछ साड़ी थी हिम ही नहीं की दे दो हम तीन मैडम ने रुपया भरे और हम पास नहीं आई तो तीन सीटें नहीं आली इतने मिल जाएगा हिम के हम बोले मिल जाएगा। मतलब पैसे जो भरे उसका आप लोगों को रसीद नहीं दी? रसीद नहीं दे दी। रसीद नहीं दी? रसीद नहीं दे दी। तो पैसा किसको दिया था आप लोगों ने? सोनिया मैडम। सोनिया मैडम को कहाँ जाकर दिया था? उसके घर पे जाके दिया? ऑफिस से आजीविका परियोजना, हाँ, उसके ऑफिस में जाके आप लोगों ने पैसा दिया? तो वो आप लोगों को कैसे फोन करके बुलाती थी? फोन करके बुलाती हम? फोन करके बुलाती किस्त भरने आ जाओ? तुम्हारो तुम्हारा महीनो था जाते तुम्हारी किस्त भर दो हम बोले भर दो हम किस्त भरवा जाई ते हमारी कंती किस्त ली ले अंते रख ले ते हम बैंक मानी भरवा जावा दे ते राखी ले ते के हम बदु सब कर ली ते हम पास नहीं अभी। अच्छा, आप लोगों की एक साथी है जो भाई है, इसको मारा था ये बता रहे थे? ते इन नहीं हम फेरा पास हाथ वाला पैसा नहीं ना किया ते सब भाइयों के निकाल लो निकाल लो ते हम तीन हमले निकालवा दियो ये मैडम ने बोला भी हम हमने आवे लिए हम की दिया तो मन को नहीं बोला ये को नहीं बोला मन के सुनिए मोटे बोला भी री तो पैसा निकला किसी का पैसा किसी का निकलवाओ किसी का सरकार घंटी होगी किसी का पैसा निकलवाओ एम कर दौड़ी दौड़ जानी डोकर बेचार में ना क्यों नहीं। अच्छा, मारी इसको? मारी नहीं गम धर ले दो नहीं हम क्या छोड़ भी नहीं हम किसने किया ऐसा? सोनिया मैडम ने? सोनिया मैडम ने। ये कहां पर किया उसने? उसके संबंध में अभी उन्होंने जब शिकायत करी थी उसके बाद उनको चार बार जो है यहाँ पे बुलाया गया लेकिन वो एक बार भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाई तो इसलिए सीओ जिला पंचायत ने एक समिति बनाई है। तो समिति गठित हो गई है, समिति ने अपनी जांच भी कर ली है लेकिन अब जब भी अब क्योंकि सीओ सर भी क्वारंटाइन है तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो समिति अपनी रिपोर्ट पिकअप कर देगी और जो भी कार्रवाई करना होगी सीओ जिला पंचायत सर और परिसर अधिकृत से कार्रवाई करनी चाहिए तो कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हमारे जो भी दस्तावेज है वो पस्तोर मैडम के अभिरक्षा में है इसलिए हम तारीख अटेंड नहीं कर पा रहे। हाँ, क्या हुआ था भाभी उस दिन आपको कहाँ मारा था? सोनिया मैडम ने मारी मन लोई सान करी। अच्छा, फिर गलू धरी पाड़ी गला भी पकड़ लिया? हाँ, गला यूं करी पकड़ लिया हम मारा। कहाँ पर? जनपद ऑफिस के पीछे? जनपद माँ ही अंदर रहता। आप लोग काय के लिए गए थे वहाँ? पैसा लेवा गए ना। पैसे लेने गए थे? पैसा लेवा गए ना। तो सोनिया मैडम ने आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की? मार उठेगी। अच्छा,
तो आपको कहीं खून वगैरह भी निकला था? हाँ, खून निकला नरो, खून निकले वही नहीं तो कोई मैंने वो दवा खाने नहीं ले जाते, मैं थाने भी नहीं ले जा। तो अभी आप क्या चाहते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? थोड़ा जोर से बोलो, क्या चाहते हो? सर्वाइव करवानी चाहिए, नहीं कानूनी कार्रवाई करवाना आपको। तारीख अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये अभिरक्षा में उनके वजह से तारीख नहीं है, उनको आना तो चाहिए बात करने के लिए। यहाँ आके ये बोलते हैं कि आज तारीख, वो तो पूरी है उनके अभिरक्षा, लेकिन अब यहाँ आके उन्होंने क्योंकि बोला नहीं अभी तक इतनी बार भी, तो इसलिए फिर सीओ सर ने ये कमेटी बिठा के लोग वहाँ जाके बात कर जा रहे हैं, जो कमेटी में है वो गाँव में जाके महिलाओं से बात कर जाए, जो भी प्रतिवेदन वो देंगे उसके आधार पे सीओ सर कार्रवाई करेंगे या कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पस्तर मैडम के द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीटी की गई थी, इसलिए हमको डर भी लगता है, इस संबंध में क्या कहना? सर पस्तर मैडम ये तो जिला पंचायत कार्यालय है और कलेक्टर कार्यालय है, यहाँ पे पस्तर मैडम की तो चलेगी नहीं, अगर वो आएंगी तो, अगर वो आते तो भी पस्तर मैडम से उनको डरने की कतई जरूरत नहीं थी, जब कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, सीओ सर यहाँ बैठे हैं, जो जिले के सबसे बड़े प्रशासक यहाँ बैठे हैं, तो उनकी जब वो उनके पास आ रही है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी अब उनका अगर ऐसा सोच है तो इसीलिए फिर जो यहाँ से जो समिति थी वो लोग वहाँ जाके उन्होंने बातचीत करी है, और जो भी प्रतिवेदन आएगा वो प्रतिवेदन कर रही है। सर ये शिकायत के संबंध में आपके विभाग का क्या उत्तरदायी हुआ? हमारे विभाग जो है वो विभाग से भी उनको चूंकि बुलाना था उनको, विभाग के हमारे सबसे बड़े मुखिया सीओ जिला पंचायत हैं, तो उनके सामने उनको बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर प्रस्तुत नहीं होगा, तो जब तक प्रस्तुत नहीं होंगे या तो प्रस्तुत होंगे या फिर सीओ सर उनके ऊपर समिति भेजे उनको जांच करने के लिए, तो इसलिए प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए फिर सीओ सर ने उनके लिए जांच के लिए समय लिखा है। इस संबंध में उनका यह भी कहना है कि आपके संबंधित विभाग द्वारा घर पे जाके उनको ये कहा गया कि तुम पैसा कबूल कर लो अन्यथा तुमको जेल हो जाएगी, ऐसा अगर उन्होंने बोला है, मतलब ऐसा अगर उनको विभाग के द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बोला गया है तो समिति के सामने बात रखे, है ना, तो ये निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा आरोप है, तो अगर समिति के सामने उन्होंने रखी होगी बात तो समिति ने उसको रिपोर्ट किया होगा और समिति यहाँ आके कुटन करेगी। अभी तक कुल मिला के उस संबंध में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? नहीं ऐसा नहीं है, समिति जांच समिति जाके और रिपोर्ट जांच समिति ने जाके बातचीत उनसे कर ली, तो अब जैसे ही सीओ सर यहाँ आते हैं वैसे ही जांच समिति उनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अधिकारी महोदय के माध्यम से और जो भी निर्णय देंगे डेफिनेटली वो निर्णय सरमान्य। अच्छा समूह का कार्य क्या है? इनको जो लोन दिया जाता है इन पैसों का कहाँ उपयोग किया जाता है? इन पैसों का जो समूह जो लोन देना वो समूह की महिलाओं के ऊपर है, वो समूह के ऊपर है, मान लीजिए कोई महिला ये चाह रही है कि हम उससे कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दें, है ना, कोई किराना दुकान शुरू कर दें, आटा चक्की शुरू कर दें या कोई दूसरा आजीविका या खेती बाड़ी में उसको यूज़ कर दें, है ना, ज़्यादातर लोग बीज खाद उनके लिए उसको यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं, तो ये पूर्णतः समूह के ऊपर होता है कि वो इस पैसे को उनके लोन के पैसे को कहाँ उपयोग करें। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पैसों का इस तरीके से उपयोग किया जाता है, एक रोशनी समूह के अंदर से उनके खाते से कहीं कई अज्ञात पेमेंट आया हो गया, उस समूह में आप क्या करेंगे? देखिए अज्ञात पेमेंट आया और चला गया, इसके संबंध में मेरा कल रंभापुर बैंक में खाता है एक समूह का, उनसे मेरी चर्चा हुई कल, वो कल यहाँ आए थे सामने सर, हमारे खाते में 1,25,000 रुपये जमा हुआ और एक किसी ने जमा किया नहीं मालूम और 1,25,000 रुपये निकाल दिया, तो हमने अभी उनसे बैंक से उनके सामने बैंक वाले से बैठ के बात करी, तो वो बोले थे क्या होता है सर कि हम लोग को पैसा रोटेट करना पड़ता है ना, तो CCL से बचत खाते में, बचत खाते से CCL बता दी, तो वो उसमें कोई इशू नहीं है, आप उनको हमारे पास भेज देना तो हम उनको समझा देंगे, तो ये उनका बैंक का टेक्निकल। नहीं आप उनको समझाइएगा कि आप दर्शक हो गए, आप समाज से जी हाँ प्रशासनिक लोग से हो, आप एक प्रशासनिक दृष्टिगत
अगर पेमेंट आया है और समूह का कहना है कि पेमेंट जो है इस संबंध में उनको कोई जानकारी, रही बात है कि आपके समूह से एनएफटी तक हुआ, एनएफटी आप समझ सकते हैं कि अनपढ़ लोग एनएफटी के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उस संबंध में जानकारी। एक बार मेरा इसमें आपसे आपको सुझाव ये है कि आप समूह से बोले, एक बार बैंक में जाके जरूर बात करें, क्योंकि कल भी वो लोग जो आए थे वो यही बोल रहे थे, बोले सर हमारा तो 1,25,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है, हमारे आपके लिए भी बड़ा अमाउंट होता है, तो महिला गरीब महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट, तो वो सर हमारे पैसा आया और निकल गया, हमको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। बैंक वाले भी चूंकि महिलाएँ हैं, गरीब महिलाएँ हैं, तो शायद उनसे बराबर से बात शायद नहीं कर पा रहे होंगे, और मैनेजर भी उनका शायद चेंज हो गया है, बाहर गया हुआ है, तो इसलिए सर मैंने उनकी रेस्टोरेंट मैनेजर से उनसे बात करी, ये कहना था सर कि बोलो सर ये इश्यू होता है कि उनको रोटेट करना पड़ता है पैसा, तो अकाउंट में डाल के वापस निकालना, मतलब सीसीएल सेविंग्स में सेविंग खाते में सीसीएल वापस डाल दें, तो ये इस बात के लिए उनको डेफिनेटली अपने बैंक से बात करनी चाहिए। नहीं, उस संबंध में उन्होंने आपके विभाग से भी बात करी, जो भी जो भी कर्मचारी लगे उनसे चर्चा की, उनका ये कहना है सीधे तौर पर आपके संबंधित विभाग का कि ये पैसा आप लोगों का नहीं था, स्कूल में कुछ यूनिफॉर्म वितरण करना था उसका पैसा है, उनसे थोड़ा सा वो समझाएगी वितरण के लिए आप उनके खाते का उपयोग क्यों किए, वितरण के लिए उनके खाते का कौन उपयोग, एक बार आप उनसे बोलिए कि वो बैंक जाके है ना, और बैंक वाले से समझ के उसका स्टेटमेंट देता है, बैंक वाले का सीधा सीधे तौर पर ये कहना है कि इनके संबंधित विभाग की जो भी है अधिकारी उनसे बात करें, और रही बात ज्यादा समझदार लोग रहते हैं अनपढ़ है, सही बात, उनसे सीधे कोई बात नहीं करते, सही बात, आप उनका अकाउंट डिटेल यहाँ भिजवाइए, यहाँ भिजवाइए, मैं पर्सनली बैंक मैनेजर से बात, और हम लोग को फिर वो ऐसा नहीं बोल सकता कि विभाग का मामला है, जैसे कल के केस में भी हो सकता है कि बैंक वालों को महिलाओं ने महिलाएं गई होंगी दो तीन बार, बैंक वाले ने बोल दिया बोले ठीक है, बोले आप तो आप हमारा हमको नहीं मालूम है, आप देखो आप, लेकिन जब अपन यहाँ से बात करी तो फिर उसको भी समझ में आया कि हाँ मतलब बात बड़े लेवल पे है, तो फिर उसने डिटेल पूरा समझाया, समझाने के बाद फिर उसने ये भी बोला कि बोले आप एक काम कीजिए सर, आप उन लोग को यहाँ भिजवा दीजिए, बोले मैं यहाँ बैठ कर उनको समझा, मैं उनको बोले ये बोला मैं पहले ही समझा देते उनको, जबरदस्ती की विभाग का है और हमको नहीं मालूम ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, गरीब महिलाएं अपना समय देके अपना पैसा खर्च करके यहाँ आती हैं, उसके बाद फिर हम अगर इस तरीके से उनसे व्यवहार करेंगे तो बहुत गलत है, सीधा सीधा उनका अभी ये संदेश है कि हमारे खाते में यदि पेमेंट आ रहा है तो उनके ऑडिट आए कुछ भी आरोप कौन मिलेगा, नहीं देखिए आरोप इसके लिए बैंक का स्टेटमेंट काफी होगा, अगर बैंक ने ऐसा किया है तो आरोपी समूह कैसे हुआ, बैंक अगर आपके खाते में लाख रुपए डाल के लाख रुपए निकाल देता है ना, तो बैंक डिफॉल्टर हुआ, आप कैसे हुआ है ना, तो वो अगर ऐसा कोई केस है तो डेफिनेटली उसके लिए बैंक डिफॉल्ट है, और लेकिन मेरा आपसे आपको सुझाव यही है कि आप डेफिनेटली उन महिलाओं को बोलिए कि एक बार बैंक में जाके बात करें, नहीं होता तो फिर यहाँ आए, मैं उनके सामने बैंक का रुका, समूह जो भगवत समूह है उनका आरोप है कि हम शिकायत की जांच के लिए कथन के लिए जाते हैं, उसके पहले से हमको घर पे आके धमकाया जाता है कि तुम ये कबूल करो कि पेमेंट हमने खर्च किया अगर हमने इस जमा नहीं किया, इस तरीके से उनको घर पे जाके धमकाया जाता है, तो ये बिल्कुल वो उनके सामने बोले मुख्यापन अधिकारी में बोल दे कि सामने या सामने ऐसा बोले, बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होगी, श्रीमान उनको सहायता के लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि उनको दस्तावेज तो दिलवाए रजिस्टर उनके पास, अगर रजिस्टर उनके पास नहीं है, है ना, तो मैं ये देखिए मैं उससे बात उससे बोल सकता हूँ, अगर रजिस्टर तुम्हारे पास है तो तुम तत्काल है ना, तो रजिस्टर जो है वो तो तत्काल उनको मिल जाए, यदि मान लीजिए कि ये दस्तावेज आपके ही संबंधित विभाग के पास मिला उनके क्या नैतिक कार्रवाई करेंगे, देखिए नैतिक शासकीय उसमें नैतिक कार्रवाई कुछ नहीं, प्रशासकीय कार्रवाई प्रशासकीय प्रशासनिक कार्रवाई होती है, अगर मिले तो डेफिनेटली सीओ साहब के माध्यम से अगर उनको ऐसा लगा कि हमारे हेड सीओ जिला पंचायत, अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं या तो इसको निलंबन का प्रस्ताव भेजें तो निलंबित कर सकते हैं, है ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इनसे रिकवरी करना है तो रिकवरी कर सकते हैं, दोनों बातें
मतलब निलंबन तक जा सकती है बात, अगर उनको ऐसा लगा कि उन्होंने को कि नहीं ये तो गड़बड़ है हमारा, उसका सोनिया की गलती है, तो डेफिनेटली मतलब फिर कोई बड़ा एक्शन होना है। आप बोलवा लो रेखा जी, हमारी सुनिया मैडम ने पैसे हमें पूरा दे देता, पूरा दे देता हम ही ते हम कई सीटी नहीं आली आने कई रजिस्टर भी नहीं बता रही हूँ आने इमला हम नहीं लेता नहीं ली नहीं इना हाई मेल दिन पर वासी कहता मजा तो मन बस नहीं मरा इन की दे हम तो हम बस नहीं मरा मुक नहीं आई एक बैग आने ते के हम बदु कर ली तुम्हारा पैसा हम बैग में जमे कर ली इनके की ते हम तीन आली नहीं आई हम घर ते हफ्ते फिर पासी फिर हम पास गए ते फिर हमें पहला पैसा निकलवा गया हाथ वाले ना क्या निकलवा गया थे फिर डोकर मारी क्या नाम जिसको मारा उसका नाम क्या बद्दू किसने मारा इन्हें सोनिया ही सोनिया पस्तौर मैडम ने मारा हाँ सोनिया ही मारी ते इन्हें मारी ते हम फिर पास ये बदियो नहीं आई नहीं दही कर ये मारी थी धर नहीं दही फिर नहीं अभी हमें रुपया पूरा भर देता इन्हें मैडम ना रुपया इन्हें बैग वाला नहीं भर आई बैग वाला नहीं भरते थे हम फिर नहीं निकालती हो इन्हें बैग वाला नहीं भरे आई नहीं जाइए पतिया भेज गया था भर दे दाम ही रुपया भर दे दाम कर हमनानी फिर समक फिर हमनानी समक हम जाओ फिर जीवन दे बाहर दिने बाद मैडम कर नहीं मैडम हम नहीं आ रहे हूं नहीं जाइए हम सबूत हमारे कन कई हम लोग को बता दी ना पासबुक पासबुक हमारी या कुछ नहीं दी और सील मोहर वगैरह जानी आ जाने कुछ भी नहीं आप लोगों के पास हमारे कन कई नहीं मिला हमारे कन कई कागज नहीं आई ते वो रजिस्टर नहीं आई ते वो कई कशु नहीं आई पैसा तो हमें पूरा भर देता हाँ तीना बेक वाला इन नहीं भरिया तो हाँ इन हम करवा लेते इन्हें ते पासबुक भी हम नहीं आई। अच्छा सब तुम्हारा सम्मू के संबंधित जब दस्तावेज उनके पास है? हाँ उनके पास है हमारे पास नहीं से। आप लोगों ने मांगे थे? मांगे था हमें मांगे था यदि हम अवेयर दिए हम कहाँ अवेयर हो कहाँ अवेयर हो सुनिया और कागज पर नथी आई दियो हां नी सोपड़ी पर नहीं हमन ते बैग नहीं खा खाता सोपड़ी पर न था ली इने पाहे से हमार कोई हमारे पाहे नथी से पर पैसा मई भरिया जरूर पैसा भरिया मई नहीं भरिया वो नहीं मळे भरिया पर नी ते त्या पैसा हमन नहीं आया ते सिटी हमन नहीं आली सिटी नहीं आली कोई कागज नहीं आई दियो हम वगर भणेला लोग को। अच्छा जमा पैसे की उसकी तुमने रसीद मांगी तो क्या बोला मैडम ने? नहीं मळे तो कोई दे हमन नहीं आली मैं रखूंगी मैं रखो तुम्हें खोई दो तुम खोई दो क्या हम इन्हीं के पास रहे होएगा अभी अबे है मुझे हम का हर फिर पास पे ये भी बोले हम की मांगी है और हम आधा वासी हम लोग हम समझ नहीं मतलब ये हम जनपद में गियो नहीं काम आ रही हम ये हम के दो हम आ रुपए कटवा भी तेरे बा ये भाभी बोली पड़ी ते हम बदिए रुपया भर दे दानी ये हम तो रुपया गया कि नहीं निकलवा दे मतलब जो 25,000 का जो चेक दिया था वो पैसे निकालने गए थे पैसा निकलवा गए चेक छीन लिया पहले साबड़े तो अभी तक आप लोगों ने पैसा निकाला नहीं निकाला नहीं निकाला तो ये जो बाइक को मारा तो उसको कई चोट लगी थी गर्दन पकड़ी थी अच्छा आप लोग क्या चाहते हो सोनिया मैडम के खिलाफ जांच हो और कार्रवाई हो? हाँ कार्रवाई चाहिए। क्या नाम आपका? पुन्नी। पुन्नी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।